इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं। जानवी कपूर और ईशान खट्टर की फिल्म धड़क का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया। इस फिल्म से अभिनेत्री स्वर्गीय श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर रही हैं और उनके साथ हैं शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर। ट्रेलर में जानवी कपूर और ईशान खट्टर की केमिस्ट्री काफी अच्छी लग रही है, साथ ही दोनों की एक्टिंग भी कमाल की है। फिल्म में दोनों के बीच की प्रेम कहानी को दिखाया गया है, लेकिन ये प्रेम कहानी इसलिए भी आपको पसंद आएगी क्योंकि ट्रेलर में दिख रही दोनों की मासूमियत आपका दिल छू लेगी। साथ ही दोनों की एक्टिंग को भी आप काफी पसंद करने वाले हैं। धड़क फिल्म मराठी फिल्म सैराट का हिंदी रीमेक है और इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं करण जौहर। फिल्म का संगीत दिया है अजय अतुल ने। सैराट के मराठी गाने झिंगाट का हिंदी वर्जन ट्रेलर में देखने को मिलेगा। फिल्म का निर्देशन शशांक खैतान ने किया है। ये फिल्म 20 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान और ऐश्वर्या राय की लव स्टोरी बॉलीवुड की जबरदस्त प्रेम कहानियों में से एक है। दोनों के बीच एक प्यारी सी लव स्टोरी चल रही थी, लेकिन सलमान अपनी ही गलतियों की वजह से अपने इस खूबसूरत रिश्ते से हाथ धो बैठे। इसके बाद अभिषेक ने ऐश्वर्या की जिंदगी में एंट्री ली और उनसे शादी कर ली। हम आपको बता रहे हैं सलमान और ऐश्वर्या राय की प्रेम कहानी जो अधूरी रह गई। सलमान और ऐश्वर्या की प्रेम कहानी साल 1997 में शुरू हुई थी। ऐश्वर्या ने बॉलीवुड में नई एंट्री की थी, हालांकि उस वक्त सलमान और सोमी अली के अफेयर के चर्चे थे। सूत्रों के अनुसार सलमान सोमी को लेकर काफी सीरियस थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन सलमान की नजर ऐश्वर्या पर पड़ी और सलमान का दिल सोमी को छोड़कर विश्व सुंदरी के लिए धड़कने लगा। ऐश्वर्या धीरे धीरे सलमान की निजी जिंदगी में भी दाखिल होने लगी। वो सलमान के परिवार वालों के साथ घुलने मिलने लगी। सूत्रों के अनुसार सलमान के कुछ खास दोस्त ऐश्वर्या को भाभी कहकर बुलाते थे। हालांकि खबरें ये भी थी कि ऐश्वर्या के माता पिता को सलमान के साथ ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था। यहां तक कि उन्होंने ऐश्वर्या को सलमान से दूरी बनाने के लिए भी कहा था। अपनी माता पिता की इस बात से ऐश्वर्या इतनी नाराज हुई कि घर छोड़कर मुंबई में अकेले रहने लगी। जानकारी के अनुसार एक दिन आधी रात को सलमान ऐश्वर्या के घर पहुंच गए थे और उनका दरवाजा जोर जोर से पीटने लगे। सलमान ने गुस्से में आकर 19वीं मंजिल से कूदने की धमकी भी दे दी थी। उस दिन सुबह करीब 3 बजे तक वो ऐश्वर्या के घर का दरवाजा पीटते रहे। लोगों का यहाँ तक कहना था कि दरवाजा पीटते पीटते सलमान के हाथों से खून तक निकलने लगा था, पर वो लगातार ऐसा ही किया जा रहे थे। सलमान रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। दरवाजे पर खड़े होकर वो ऐश्वर्या का नाम पुकार रहे थे। इस हंगामे की वजह ये बताई जाती है कि वो ऐश्वर्या से शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐश्वर्या कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही थी और उस वक्त शादी नहीं करना चाहती थी। बाद में ये भी खबर आई थी कि ऐश्वर्या के पिता ने सलमान के खिलाफ थाने में केस भी दर्ज करवाया था। बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 61 साल की हो गई हैं। उनका जन्म 8 जून 1957 को मुंबई में हुआ था। डिंपल ने मात्र 16 साल की उम्र में ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉबी से डेब्यू किया था। हालांकि इस फिल्म के बाद उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना से शादी करके फिल्मों से दूरी बना ली थी। 12 साल बाद डिंपल ने बॉलीवुड में फिल्म सागर से वापसी की। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान डिंपल के साथ एक हादसा हो गया था, जिसकी वजह से उन्हें सबके सामने शर्मसार होना पड़ा था। सागर फिल्म में डिंपल ने कई बोल्ड सीन्स दिए थे। फिल्म की शूटिंग के दौरान डिंपल नहाने का सीन शूट कर रही थी। इस दौरान उनका तौलिया सरक गया था, जिसकी वजह से उन्हें सबके सामने शर्मसार होना पड़ा। इस शूट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। डिंपल ने डेब्यू और कमबैक फिल्म ऋषि कपूर के साथ ही की थी। कमबैक के बाद डिंपल ने फिल्मों में कई बोल्ड सीन्स भी दिए। डिंपल का दिल शादीशुदा सनी देओल पर भी आया था। कहा जाता है कि इन दोनों की रिलेशनशिप 11 साल तक चली। बाद में दोनों ने एक दूसरे से किनारा कर लिया। हालांकि पिछले साल दोनों को लंदन की गलियों में एक दूसरे का हाथ थामे देखा गया था। खैर, अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज़ देखने के लिए। फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ। बाय बाय।